व्यवस्था की गई है, बहुत बढ़िया है, सराहनीय व्यवस्था है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कौन हमसे टकराएगा, जो भी टकराएगा तुम्हें मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम उपलब्ध हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं। और आज हम ननौता में किसान सेवक इंटर कॉलेज के फील्ड में हैं। किसान सेवक इंटर कॉलेज के फील्ड में यहाँ पर रावण का दहन होता है और यहाँ पर श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के द्वारा इनको तीर मार करके आखिरी स्टेज तक पहुँचाया जाता है। और हमारे ननौता में काफ़ी दिनों से रामलीला का आयोजन चल रहा था, हमने इससे पहले भी आपको रामलीला की वीडियो दिखाई थी। और आज हम फिलहाल अवेलेबल हैं यहाँ पर किसान सेवक इंटर कॉलेज के फील्ड में। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तीनों के पुतले हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर लगभग 5:30 बजे के आसपास इनका दहन होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको दशहरा का मेला और ये सब चीज़ें दिखाएंगे जो यहाँ पर होने वाली है। हम ननौता में हैं और ये है किसान सेवक इंटर कॉलेज का फील्ड, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये है किसान सेवक इंटर कॉलेज और राजकीय महाविद्यालय का एंट्री गेट, ये फील्ड है और यहाँ पर सार्वजनिक कार्य होते हैं। दोस्तों ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनका दहन क्यों किया जाता है या ये ऐसा क्यों किया जाता है। आप सभी को पता है ये बुराई पर अच्छाई की विजय है और भगवान राम जी ने ये आज के दिन दशहरे के दिन इनको अपनी आखिरी स्टेज तक पहुँचाया था। और फिर आगे चलकर दीपावली आती है। दीपावली इसलिए आती है क्योंकि दीपावली में अयोध्या में राम जी वनवास खत्म करके अयोध्या में जब उन्होंने एंट्री ली थी तो सभी अयोध्या वासियों ने वहाँ पे खुशियाँ मनाई थी, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और यहाँ पे कुछ देर बाद दहन होगा। आज यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई हुई है, यहाँ पर बैरिकेडिंग से चारों तरफ यहाँ पे इस जगह को कवर किया हुआ है ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर ना इकट्ठे हों और जो बाहरी पब्लिक है वो बाहर ही रहे। और यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के सैनिक मौजूद हैं। और इधर ये एंट्री गेट है जहाँ पे आप फिलहाल आप देख पा रहे हैं, ये एंट्री गेट है यहाँ का। तो यहाँ पे हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, ये रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी हैं, इनका नाम है मिस्टर पुष्पेंद्र जी, इनसे हमने आपकी पहले ही मुलाकात कराई थी। तो सर आज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी, जो आज यहाँ पे दहन हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप जी? ये आज जो है 96 वर्ष हो चुके हैं जी हाँ इस दहन को। और ये सभी गाँव से देहात से हजारों में संख्या में जो है आदमी आते हैं देखने के लिए। और बाहर ग्राउंड में सब मेला लगा हुआ है जो हर साल लगता है, प्रति वर्ष मेला भी दिखा देते हैं आपको जी, अभी जी। और फिलहाल हम यहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, अभी श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनकी सवारी आएगी और जो है बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर, यात्रा निकलती है अभी, अभी थोड़ी देर बाद रामलीला मंच से जो है रामचंद्र जी की सवारी निकलेगी जो आके यहाँ पर जो है रावण जी का दहन करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा है पीछे यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण इन तीनों का पुतले यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। भैया पुतले तैयार किसने किए हैं? ये चढ़तावल के हैं। एक मिनट, इनसे आपको जिन्होंने पुतले तैयार किए हैं उनसे मिलवा देते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं पुतले के बारे में, उन्होंने तैयार कैसे किया है, कितने घंटे लगे उनको। तो आइए उनसे मिलवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये अंकल जी आ चुके हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? नाम ये है जी मेरा मोहम्मद खुर्शीद है। इनका नाम खुर्शीद है और इन्होंने ये पुतले बनाए हैं। अंकल जी कुछ पुतलों के बारे में जानकारी देंगे, इनको कितने घंटे लगे आपको बनाने में? हमारे जो है जी इन रावणों के बनाने के लिए कम से कम 8 दिन लगते हैं। नहीं फिलहाल आपको कितना समय लगा है इसे बनाने में? सुबह से, अब जो खड़े करने में। हाँ जी, जो फिलहाल आपने खड़े किए? हाँ जी, हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं इसके कार्य में। सुबह 8 बजे से लगे हैं ये? अच्छा, और अब जाकर हमने इनको उठाए हैं जी। हाँ अच्छा जी, अच्छा आप इनको पहले से तैयार करके लाए थे या आपने यहीं पे तैयार किया है? नहीं, यहाँ घर पे से हम ढांचा बना के लाए थे। अच्छा आपने, हम दो पहने पहले अपना कार्य चालू कर देते हैं। अच्छा इसमें क्या क्या सामान लगता है एक बार बताएंगे इसके बारे में? सर इसमें लगता है बांस वगैरह लगता है जी हाँ, और सुतली लगती है जी हाँ, और पटाखे वगैरह भी तो लगते हैं। पटाखे वगैरह लगते हैं जो ये जो है पटाखे जो दशहरे के टाइम के ही पटाखे लगते हैं जी हाँ, जैसा दीपावली पे चलते हैं जी ऐसा ही दशहरे पे चलते हैं। ठीक है, जो ब्याह वही वाले पटाखे लगाए हैं इसमें? यही यही शादी वाले, दशहरे वाले, दीपावली वाले यही पटाखे चलते हैं। ठीक है जी। और आप कहाँ से हो? चरथावल से रहने वाले हैं। चरथावल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से हैं। हाँ जी। और ये भैया और कौन है? ये सब ये अपने बच्चे हैं, भाई हैं, ये टीम है इनकी पूरी, जिन्होंने तैयार किया है। रियासत भारती के नाम से, रियासत भारती के नाम से इनका नाम है और ये चरथावल के रहने वाले हैं। इन्होंने रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को तैयार किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह के पुतले हैं और ये तैयार हो चुके हैं, काफी ऊंचे हैं और ये थोड़ी देर बाद इनका दहन होगा।
ये है मेला दशहरा और इसे देखते हैं आइए। दोस्तों दशहरा के दिन ये इस तरह का मेला लगता है और यहाँ पर फील्ड में मेला लगा है और देखें यहाँ पर इस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। और आज के दिन दशहरा के दिन यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है, आज रोड पे ना लगा करके, क्योंकि जो शासन है उत्तर प्रदेश शासन उसके ऑर्डर थे कि जगह को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो यहाँ पर इस फील्ड में मेला लगा है और यहाँ पर आप मेले में दुकानें देख सकते हैं। यहाँ जो किसान सेवा इंटर कॉलेज का फील्ड है उसी के पास ये मेला लगा है और यहाँ पर आप दोनों साइड देख सकते हैं ये दुकानें हैं और यहाँ पर खरी खिलौने वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं। और ये है दशहरा का मेला, ननौता दशहरा का मेला है और यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन है। और मैं आपको अभी आगे और दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर और भी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पर भी कुछ दुकानें लगी हैं। और ये है रास्ता ननौता और ये यहाँ से किसान सेवक इंटर कॉलेज के फील्ड पर ये रास्ता जाता है और यहाँ पर ये कुछ मेले का आयोजन हुआ है, ये है दशहरा का मेला। तो अभी यहाँ कुछ देर में राम और लक्ष्मण जी की सवारी आने वाली है और वो इनका उद्धार करेगी और इनको तीर लगा करके इनका अंतिम पड़ाव तक इनको पहुँचाया जाएगा। दशहरे का 2022 का कुछ पर्व जो है इस तरीके से मनाया गया है। तो यहाँ पर एक ऑडियो का सिस्टम भी रखा हुआ है और इसको पब्लिक को संदेश देने के लिए इस ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर व्यवस्थित किए। और यहाँ पर हमारे पास समिति पदाधिकारी मौजूद हैं और ये अभी जानकारी देंगे इस समारोह के बारे में। सर ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए, कितने वर्षों से होता आ रहा है और आज की डेट में यहाँ पे क्या और क्या होने वाला है? ये सन 1927 से शुरू हुआ प्रोग्राम है जी हाँ, आज इसको 96 साल बना रहे हैं हम जी हाँ। इसका वर्ष रामलीला लगातार हमारा जो रावण दहन होता है इसी स्थान पर होता है जी हाँ। और लगातार मंचन इसका भरपूर अच्छे तरीके से होता है। अजय गुप्ता जी ने बहुत अच्छी, ये डायरेक्टर स्टेज है हमारे, ये डायरेक्टर है स्टेज पर जो नाट्य रूपांतरण हुआ था वो अंकल जी ने कराया था। अंकल जी आपका बहुत अच्छा जो है वहाँ पे प्रयास रहा और आपने बहुत सफल प्रोग्राम कराया रामलीला का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है जी हाँ, हमने भी पूरा प्रयास किया भाई जी हाँ। और ये 96 साल से चलती आ रही बुजुर्गों के जमाने से परंपरा, इसे निभा रहे, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये दशहरा, खूब धूमधाम से मनाया जा रहा हमारे क्षेत्र में, नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारे साथ अरविंदर सिंह काका जी हैं और हमारे भाई साहब अरविंद सिसोदिया जी हैं। अरविंद सिसोदिया जी भी पत्रकार हैं और हमारे अरविंदर काका जी भी पत्रकार हैं। और अरविंदर जी ने यहाँ पे कई सारे रोल्स में अपना किरदार निभाया है हमारे रामलीला कमेटी में, तो एक बार आप बताएंगे रामलीला कमेटी में आपने कितने रोल निभाए हैं और आपका आखिरी किरदार कैसा रहा और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं पिछले लगभग 20-22 वर्षों से रामलीला में अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहा हूं और पिछले 18 साल से लगातार मैं मेघनाथ का रोल प्ले कर रहा हूं। और जिस समय मैं मेघनाथ का रोल प्ले करता हूं तो मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं एक आम आदमी हूं, मुझे साक्षात ये महसूस होता है कि मुझ में मेघनाथ जितनी शक्तियां आ गई हैं और उसी तरह से मैं अपना किरदार प्ले करता हूं। और मुझे इस चीज़ को करते हुए हर तरह की सहानुभूति मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है और मुझे अपने आप में भी फख्र होता है कि हाँ ऐसा किरदार कोई निभा रहा है जिसको निभाने के लिए आदमी सोच भी नहीं सकता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार निभा, यानी कि आपका कहने का अर्थ है कि आप उसको सजीव जीते हैं उस किरदार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सजीव रूप से उसको किरदार को जिया जाता है। हम समय भूल जाते हैं कि सामने रामचंद्र हैं, लक्ष्मण हैं, हनुमान जी हैं, उस समय केवल वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और हम उनसे लड़ाई लड़नी है, हमें मरना नहीं है, मारना है, मरना जो भी होगा एक्स वाई जेड बात की बात है, पर अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से जीत हमारी हो, अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अच्छा अरविंद भाई साहब भी कुछ बताना चाहेंगे आज पर्व के बारे में, जो आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। विजयदशमी का जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई का पर्व है जी हाँ। इस दिन जो है ना प्रभु राम ने अपने प्रतिद्वंदी रहे रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी, इसी को लेकर हम जो है विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं जो अनादि काल से चला हुआ आ रहा है। और ये हमें अपने बच्चों को भी इसका संस्कार देने चाहिए, रावण में बुराई नहीं थी, बुराई उसके विचारों में उसकी आत्मा के अंदर आ गई थी, वरना वो कभी रावण जो है ना वो रावण बहुत जो है विद्वान आदमी थे और बहुत और तीन लोगों का ज्ञाता था जी हाँ जी। लेकिन उसके कुछ कर्म ऐसे हो गए कि उसके अंदर बुराई व्याप्त हो गई जिसे उसे जो है मरना पड़ा और क्या नाम वर्षों तक उसका दहन चला आ रहा है परंपरा और ये चलती ही रहेगी।
हर साल मनाते हैं। अच्छाई पे बुराई की जीत का प्रतीक है। मेरी लोगों से अपील है कि हम बाहरी रावण को नहीं, अपने अंदरूनी जो रावण अहंकार हैं उनको मारें, तभी विजयदशमी का ये पर्व सार्थक होगा। जो उद्देश्य श्री राम जी हमें देकर गए हैं कि हमें उस उद्देश्य को तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने भीतर के रावण को मार सकते हैं। टकराएगा कौन हमसे, टकराएगा जो भी टकराएगा तूने मिल जाएगा। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जहाँ खड़ा हो मेघनाथ उसे शमशान कहते हैं। और ये फैजान साहब है, ये हमारे ननोता में लाइव न्यूज रिपोर्टर हैं। ये दैनिक भास्कर से हैं और ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज दशहरे की लाइव रिपोर्टिंग करेंगे और ये भैया हमारे ननोता से ही हैं। के पुत्र को विजयदशमी के वक्त शमशान घाट पर दहन किया जाता है तो रावण के पुतले से एक अजीब आवाज आती है। वो क्या आती है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। तुम मुझे जला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे जला ना पाओगे, जैसे लंका जली जला मैं भी, जैसे लंका जली जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, आ तुम मुझे यूं जला ना पाओगे। राक्षस कुल की बेहतरी के लिए मैंने प्रभु को बुलाया वन मन में, तुम प्रभु को बुला ना पाओगे, हा तुम मुझे यूं जला ना पाओगे। तो दोस्तों काफी इंतजार करने के बाद अभी यहाँ पे शोभा यात्रा पहुंच चुकी है और आपको आवाज आ रही होगी शायद, यहाँ पे शोभा यात्रा का आगमन हो चुका है और भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण शोभा यात्रा निकाल करके यहाँ किसान सेवक इंटर कॉलेज के फील्ड में आ रहे हैं और अब वो यहाँ पर इन ये जो पुतले बनाए गए हैं यहाँ पर इन पुतलों को जो है इनके आखिरी अंजाम तक पहुँचाएंगे और इनका उद्धार करेंगे। तो अभी आपको शोभा यात्रा दिखाता हूँ और राम जी की लीला दिखाते हैं आज। और ये आज जो प्रोग्राम है ये है विजयदशमी का। तो यहाँ पर अभी भगवान श्री राम की शोभा यात्रा आ चुकी है और यहाँ से इस वाले रास्ते से उसका एंट्री होने का संभावना है और अभी इस गेट को ओपन किया जा रहा है और यहाँ से आप देख पा रहे हैं अभी एंट्री गेट को ओपन किया जा रहा है, यहाँ से इस बैरिकेडिंग को खोला जा रहा है और कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था संभाले हुए है और इस प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश पुलिस की अहम भूमिका के साथ यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर भगवान श्री राम जी की रथ यात्रा आ चुकी है और यहाँ पर आगमन हुआ है श्री राम के रथ का और श्री राम जी हनुमान जी और उनके साथ ये रथ यात्रा के दौरान यहाँ पे पहुँचे हैं और ये लक्ष्मण जी यहाँ पर हैं मौजूद और श्री राम के साथ आए हैं। यहाँ पर अभी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। Oh,
दोस्तों यहाँ पर परिक्रमा की जा रही है, भगवान श्री राम के रथ द्वारा यहाँ पर परिक्रमा की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इनका दहन किया जाएगा। अब की बार प्रोग्राम की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। आपको व्यवस्था अब की बार कैसी लगी? बहुत बढ़िया। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत शांति और अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पर काम कमेटी का पूरा अच्छा। और ये हमारे बड़े भाई साहब को श्री राम लीला कमेटी द्वारा इस बार जो व्यवस्था की गई है बहुत बढ़िया है, सराहनीय व्यवस्था है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बैरिकेडिंग लगा दी है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसके लिए बोला जय श्री राम। यहाँ पर अभी रथ रुक चुका है और यहाँ पर श्री राम और श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी रोबिन भैया भी आ चुके हैं, इनका नाम रोबिन जैन है और ये हमारे बड़े भैया हैं। ये भी कुछ इस यात्रा और इस समारोह के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक बार बताइए। गत वर्षों की बात ही, इस बार भी दशहरा महोत्सव बहुत अच्छी से धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार विशेषता यह है कि पिछली बार जो है बहुत भीड़ हो गई थी, इस बार ये बैरिकेडिंग लगाई है लकड़ी की। इस बार थाना अध्यक्ष हमारे जो सैनी साहब है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, आप चारों तरफ देखिए और बहुत बढ़िया प्रोग्राम आनंद आ रहा है। श्री राम के नारे लग रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, धन्यवाद। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या नगरी में। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी फीता काट करके यहाँ का शुभारंभ किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और अनुराग सिंह जी ने फीते काटकर यहाँ पर शुभारंभ किया है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस समारोह के बारे में? विजयदशमी पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सत्य पे सत्य की जीत का पर्व है, इसे सभी धूमधाम से मनाए, मेरा तो इतना ही कहना है, सभी सौहार्द से मनाए, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उधर 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 फोकस, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तीनों का अंतिम संस्कार हो चुका है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने इनका वध कर दिया है और इनको मुक्त कर दिया है इनके पापों से। तो आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।